पहले सभी को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आप जो पीछे बच्चे देख रहे हैं, ये सभी मध्य प्रदेश पुलिस का बैच है। इनका जो फर्स्ट वो था एग्जाम, वो इन्हें क्वालिफाई कर लिया और सभी बच्चे फिजिकल के लिए आए हैं। तो जब एग्जाम हो रहे थे उस टाइम हमारे पास काफ़ी बच्चे आए थे, करीबन 200 से 250 प्लस बच्चे आए थे। तो ऐसे काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने मतलब उस टाइम मतलब काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे और उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। तो जैसे इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डबल डबल ट्रिपल डबल एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब कोई सी भी वैकेंसी आती है या कोई सा भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको उस समय ये डर लगता है कि इसमें हम क्या होता है क्वालिफाई कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। तो पहली चीज़ बच्चों को ये डाउट रहता है कि बहुत कॉम्पिटिशन है। जैसे अभी पुलिस की बात करें तो अधिकतर बच्चों को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है, ये क्या बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ गई है, बच्चे अच्छे से तैयारी करने लगे हैं और सारी चीज़ें सुविधाएं मिलने लगी, इसलिए क्या है कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ गया है। यदि मैं बात करूँ, यदि मैं कोई सी भी कैटेगरी से हूँ या एस टी से हूँ ओबीसी या जनरल किसी भी कैटेगरी से हूँ, यदि 100 नंबर का पुलिस के अंदर एग्जाम होता है और अभी मैं 90 नंबर लेकर आता हूँ तो बताओ 90 नंबर में बाहर होऊंगा क्या? नहीं। यदि कोई सा भी नंबर लेकर आता हूँ तो 90 नंबर में कोई बंदा बाहर नहीं होगा, गर्ल्स हो जाए बॉयज भी नहीं, क्या आप भी मानते हो? तो आपकी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि आप कोई सा भी एग्जाम दो तो उसमें आपकी तैयारी इतनी अच्छे से हो कि आप एग्जाम में बाहर नहीं होगा। जैसे ये बच्चे हैं, आप सभी को पता है कि 100 नंबर का फिजिकल होगा। ये बताओ यदि आप सभी ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया क्वालिफाई, यदि आप 100 नंबर का फिजिकल होता है, अपन 100 में 100 की बात करें, यदि 90 प्लस नंबर आप लाते हो तो कोई भी बंदा मेडिकल में मेरिट में बाहर नहीं होगा, ये आपको पता है नहीं पता? तो आपकी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि आपको ये मेरिट का डर नहीं रहे। जैसे आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर 8 लाख से प्लस फंड रहे थे और करीबन 7 लाख विद्यार्थी ने एग्जाम दिए थे, उस टाइम आप सभी को डर होगा क्या हमसे एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, और आपने एग्जाम क्वालिफाई करा है। आपने यदि आप सोच लो कि एक टारगेट फिक्स कर लो कि आपको ये इतना टारगेट है आपका, इतना आपको मार्क्स लाना, तो आपको जो मार्केट में क्या चल रहा है, कितने फॉर्म भरे, कितना कॉम्पिटिशन है, वो आपके दिमाग से चीज निकल जाएगी। आप यदि अभी ग्राउंड में तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि 60,000 विद्यार्थी फिजिकल देंगे और 7,000 पोस्ट है, क्या होता हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये चल रहा दिमाग में? यदि आप आज से ये टारगेट फिक्स करते हो कि मुझे फिजिकल के अंदर 90 मार्क्स लेकर आना है, मैं 100 के नहीं बोल रहा हूँ, मैं 95 बोल रहा हूँ, यदि 100 मार्क्स ला भी सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है, 100 मार्क्स आ भी जाते हो, लाते भी थोड़े, जो आपने उसमें 85 का फिजिकल मारा था अनिल ने, यदि आप चाहो तो आप 90 नंबर की यदि तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो तो आप 90 नंबर ला सकते हो। मैं गारंटी साथ बोल रहा हूँ कि आप 90 नंबर लाते हो, आप कोई सी कैटेगरी से हो, आप फिजिकल बाहर नहीं होगे, नहीं होगे। जैसे दोस्तों करीबन 30 से 35 विद्यार्थी ऐसे आए थे हमारे पास जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, करीबन अपने ग्रुप में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनने पटवारी का एग्जाम क्वालिफाई करा और पटवारी में भी ज्वाइनिंग ली, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत थी क्योंकि उस टाइम वो फिजिकल पेपर में अच्छे मार्क्स लाए थे, उनने सोचा कि अपन पुलिस की भी तैयारी करते, क्या पता पटवारी हमारा नाम आए नहीं आए, पर रिजल्ट आया, रिजल्ट जो आया उनकी तैयारी थी, उनकी मेहनत थी, इसलिए उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। काफ़ी भी विद्यार्थी जैसे वर्ग 1 का भी रिजल्ट आया, बीच में वर्ग 2 का भी आया था, काफ़ी बच्चे उसमें चले गए। मेरे मतलब ये मानते 7 से 8 महीने के अंदर करीबन 50+ बच्चे हमारे पास थे, यहाँ से मतलब कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो गया। जैसे पटवारी में फिजिकल नहीं होता है, इसके बाद वो ग्रुप 4 का रिजल्ट आया था, उसमें 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद अभी वर्ग 1 का रिजल्ट आया, उसमें करीबन 5-6 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। जैसे अभी काफ़ी बच्चे ऐसे भी है जो PSC तैयारी कर रहे थे, आज PSC का लास्ट एग्जाम था, जैसे अभी ये मेंस देखा है, कहाँ गए वो गजेंद्र भैया, इनने तीसरी बार मेंस दिया है और ऐसे काफ़ी विद्यार्थी हैं, जैसे ये अभी इनने 2 एग्जाम क्वालिफाई करा, कहाँ गए वो जेलप्रेरी, ये इनका मध्य प्रदेश पुलिस में कितना नंबर है? 78। जेलप्रेरी में कितना नंबर आया आपसे? 78। तो इन्होंने 2 एग्जाम क्वालिफाई करी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यदि आप मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत पॉजिटिव है तो ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जो अचीव नहीं किया जाता है। इंसान है, हर टारगेट अचीव कर लेता है यदि वो मेहनत उसकी तगड़ी है। तो मेहनत आप कैसे होना चाहिए, मेहनत डगमगाना नहीं है। ऐसे देखो सफर में ऐसे बहुत सारे सफर के दौरान बहुत सारी कठिनाई आती है कि आदमी डगमगा जाता है, मेहनत करना छोड़ देता है, तो आपको डगमगाना नहीं है। आप सभी को पता है फिजिकल होगा मध्य प्रदेश पुलिस का, मैं पहले भी ये बोलता था कि रिजल्ट आपको आएगा, आज नहीं आज से 2 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आएगा, हमने काफ़ी तारीख का इंतजार करा और 7 महीने के बाद रिजल्ट आया। अभी बच्चों को ये लग रहा है कि फिजिकल क्या होता है, कब होगा, चुनाव के बाद होगा, चुनाव के पहले होगा, चुनाव के बीच में होगा, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करोगे तो ये तो पता है आपको फिजिकल होगा, और जो बंदा अच्छे से मेहनत करेगा और दिमाग से निकाल लेगा फिजिकल कब होगा और अभी से अपनी तैयारी अच्छी करेगा, वो बंदा फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। और जो बच्चा इंतजार कर रहा है फिजिकल का, इंतजार करता जाएगा फिजिकल हो जाएगा और फिजिकल में नंबर नहीं आएगा तो आपको भारी होना है। आप अच्छे से मेहनत करोगे, देखो इंतजार किसी चीज़ का नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत करना है, मेहनत इतनी अच्छे से करो। यदि आज से 2 दिन बाद फिजिकल होता है तो आपको अच्छे मार्क्स आना चाहिए, आज से 6 महीने बाद फिजिकल होता है तो आपको अच्छे मार्क्स आना चाहिए। तो हमको ऐसी मेहनत करना है कि इस बार जब भी मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल हो हमारा 100% में से हमारी बॉडी का 100% हमको देना है, 90, 95, 80, 85 का टारगेट हमारा रहना चाहिए। तो आपको कोई भी डर नहीं रहा मेडिकल मेरिट का कि आप मेरिट में बाहर जाओगे, और मेडिकल आपके हाथ में होता है। यदि आप मेंटली फिट हो, आप फिजिकली फिट हो, तो मेडिकली ऑटोमेटिक फिट हो जाओगे। आदमी मेडिकल का मतलब क्या है, मेडिकल यही तो है, आप फिजिकली फिट हो, मेडिकली फिट हो, आप फिट हो।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बजलेनर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।